नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और बहुत शुरुआती दिनों का है। निर्माता निर्देशक बीआर चोपड़ा भी राजेश खन्ना को चुनने वाले उस यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स की टीम में से एक थे जिस टैलेंट हंट में राजेश खन्ना को चुना गया था। उनके छोटे भाई यश चोपड़ा भी उन दिनों उन्हीं के साथ काम करते थे और उन दिनों यश बीआर फिल्म्स के लिए धर्मेंद्र, फिरोज खान, सायरा बानो को लेकर फिल्म आदमी और इंसान की शूटिंग लगभग पूरी कर चुके थे। बड़े बजट की इस फिल्म के कुछ सीन्स से यश चोपड़ा खुश नहीं थे और उन्हें वो दोबारा शूट करना चाहते थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि फिल्म के हीरोइन सायरा बानो के पैर में चोट लगी थी और इलाज के लिए वो लंदन चली गई थी। उनके लौटने में अभी कुछ समय बाकी था। यश चोपड़ा किसी तरह इस वक्त का इस्तेमाल करना चाहते थे। इन्हीं दिनों यश चोपड़ा ने मशहूर नाटककार प्रवीण जोशी का एक गुजराती नाटक देखा जिसका नाम था धूमस। धूमस में मुख्य किरदार उनके भाई अरविंद जोशी, शर्मन जोशी के पिता, उन्होंने निभाया था। धूमस अंग्रेजी लेखक मोंटे डॉयल के नाटक साइन पोस्ट टू मर्डर पर आधारित था। इस पर 1964 में हॉलीवुड में इसी नाम से एक कामयाब फिल्म भी बनी थी। ये एक रात की कहानी थी जिसमें पुलिस से भागा एक मुजरिम एक बंगले में पनाह लेता है। इस बंगले में एक लड़की अकेली रहती है और मासूम सी दिखने वाली इस लड़की के जाल में वो बुरी तरह से उलझ जाता है। अंत में वो लड़की खुद कातिल निकलती है। ये इस कहानी का लबलुआब था। यश चोपड़ा ने फैसला कर लिया कि इस नाटक पर वो जल्दी ही एक फिल्म बनाएंगे। बड़े भाई बीआर चोपड़ा से सलाह मशवरा किया। तय हुआ कि ये फिल्म बीआर फिल्म्स की छोटे बजट की एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म होगी। जो सबसे खास बात तय हुई वो ये कि इस फिल्म में कोई गाना नहीं होगा और यही नहीं, इसे एक ही शूटिंग शेड्यूल में एक ही सेट पर एक महीने में ही पूरा कर लिया जाएगा। ये काम उस दौर की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कार्यशैली से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उस दौर में प्लानिंग से लेकर फिल्म के रिलीज तक कम से कम एक साल तो लगता ही था। यश चोपड़ा इस चुनौती को लेकर बेहद उत्साहित हो गए। फिल्म का नाम रखा गया इत्तेफाक। इस फिल्म में यश चोपड़ा के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर रहे रमेश तलवार बताते हैं कि मैंने बीआर फिल्म्स ज्वाइन किया था, इत्तेफाक यश जी डायरेक्ट कर रहे थे। करीब 40 दिन में बनी थी ये फिल्म। उनका प्लान बिल्कुल सही था कि फिल्म सितंबर 1969 से शूट करेंगे और 10 अक्टूबर को रिलीज कर देंगे। एक ही सेट की फिल्म थी। जल्दी फिल्म खत्म करनी थी तो फिल्म में हीरो हीरोइन भी ऐसे चाहिए थे जिनके पास एक महीने की खाली डेट्स हों। हीरो के लिए बीआर चोपड़ा के दिमाग में पहला नाम आया राजेश खन्ना। फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट हंट के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन्हें राजेश खन्ना के साथ फिल्म बनानी भी थी। साथ ही राजेश खन्ना की कोई फिक्स इमेज भी नहीं थी और ये बात इत्तेफाक के इस किरदार पर बिल्कुल फिट बैठती थी। फिल्म में हीरोइन का किरदार निगेटिव था। इस किरदार के लिए पहले राखी से बात हुई, लेकिन राखी उस वक्त राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म जीवन मृत्यु साइन कर चुकी थी और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधी थी। तब यश चोपड़ा ने नंदा को साइन किया। नंदा अब तक जब जब फूल खिले और गुमनाम जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुकी थी। यश चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म इत्तेफाक देखते समय किसी को हीरोइन पर शक ना हो कि वो कातिल भी हो सकती है। नंदा की छवि मासूम और रुमानी थी और इस साइकोपैथ कातिल के रोल में दर्शकों को झटका देने के लिए उनकी कास्टिंग कमाल की थी। सितंबर 1969 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और मुंबई के परेल में स्थित राजकमल स्टूडियो में फिल्म का सेट लगाया गया। हर रोज सुबह जल्दी शूटिंग शुरू हो जाती और देर रात तक चलती। शायद चार फ्लॉप फिल्मों का दबाव ही था कि राजेश खन्ना हर रोज शूटिंग शुरू होने से काफी पहले सेट्स पर जाते थे और अपने सीन्स की रिहर्सल करते थे। रमेश तलवार बताते हैं कि इत्तेफाक तक आते आते उन्होंने सेट पर लेट आने की जो शुरुआती आदत थी उस पर काफी हद तक काबू पा लिया था। उन्हें एहसास था कि वो बेहद किस्मत वाले हैं कि उन्हें बड़े बैनर्स की फिल्मों में साइन किया गया। इत्तेफाक के सेट्स पर लेट आने का मतलब ही नहीं था। पूरी फिल्म एक महीने में खत्म होनी थी। पूरे सितंबर शूटिंग हुई। दिन में जो शूट होता वो उसी रात जाकर यश जी एडिट उसे करते थे और एक अजीब सा अनुभव था। उस दौर के हिसाब से बेहद एक्सपेरिमेंटल फिल्म इसे कहा गया। बैकग्राउंड म्यूजिक भी पर भी साथ ही साथ काम शुरू हो गया और गाने इसमें थे नहीं।
सलील चौधरी ने कमाल का इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था, अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो। इत्तेफाक एक अभिनेता के तौर पर राजेश खन्ना के लिए भी बड़ी चुनौती थी। इसमें उनके किरदार में कई शेड्स थे, पहले पुलिस से भागे घबराए हुए मुजरिम, फिर नंदा को डराने वाले क्रिमिनल और अंत में नंदा का असली रूप सामने आने पर बुरी तरह झटका खाने वाले हीरो के रूप में राजेश खन्ना ने बेहद इंटेंस परफॉर्मेंस दी। इस रोल की बात करते हुए अपने इंटरव्यू में एक बार उन्होंने कहा था, मैंने उस रोल पर बहुत मेहनत की थी, कई बार तो अगर मुझे कोई सीन परेशान करता था तो मैं निर्देशक को आधी रात के वक्त भी जगा दिया करता। हालांकि फिल्म के कई सीन में राजेश खन्ना काफी लाउड भी नजर आते हैं, लेकिन मेलोड्रामा शायद उस दौर की हिंदी फिल्मों का अहम हिस्सा हुआ करता था। इत्तेफाक की शूटिंग शुरू होने से पहले ही राजेश खन्ना, शक्ति सामंत की फिल्म आराधना और राज खोसला की दो रास्ते की शूटिंग तकरीबन पूरी कर चुके थे। दोनों फिल्मों को साल 1969 के अंत में रिलीज होना था, लेकिन इत्तेफाक ने रिलीज होने की दौड़ में बाकी दोनों फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। 4 अक्टूबर 1969 को इत्तेफाक रिलीज हुई। बिना गानों की सस्पेंस थ्रिलर ने आम मसाला हिंदी फिल्में देखने वाले दर्शकों को हैरत में डाल दिया। फिल्म की असली स्टार नंदा थी और उनकी खूब तारीफ हुई, लेकिन फिल्म के सरप्राइज पैकेज साबित हुए राजेश खन्ना, जिनके अभिनय की बड़े बड़े समीक्षकों ने जमकर तारीफ की। रमेश तलवार बताते हैं कि इत्तेफाक कम बजट की फिल्म थी, 15 हफ्ते चली, तारीफ भी बहुत हुई। राजेश खन्ना की एक्टिंग देखकर इंडस्ट्री के लोग भी कहने लगे कि भाई ये टैलेंट अब तक कहां छिपा हुआ था, मतलब अभिनय की जो गहराई उन्होंने इत्तेफाक में दिखाई उससे लोगों को एकदम से राजेश खन्ना अच्छे लगने लगे, एक उम्मीद नजर आने लगी थी। लंबे वक्त के बाद आखिरकार राजेश खन्ना ने अपनी पहली कामयाबी का जायका चख लिया, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि यह कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर आने वाले तूफान की बस एक शुरुआत थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।